मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज का सुविचार है, महिलाएं समाज की आधार होती हैं, आधार स्तंभ होती हैं, इसलिए सम्मान हमें करना चाहिए। हमने सुमिता विलियम्स के बारे में पढ़ा है, पार्ट नंबर बी, पेज नंबर 20, अंदाज अपना अपना। बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा समझा दूँ। पहला है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। उत्तेजना थी मतलब लोगों में चहल पहल था, किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। तो क्यों थी? क्योंकि हवाई अड्डे पर सुमिता विलियम्स आने वाली थी। चूँकि टॉपिक आपका है अंदाज अपना अपना, तो आप हंसी मजाक मस्ती करते हुए भी ये बात की लिख सकते हैं चेंज करके, क्योंकि हवाई अड्डे पर सलमान खान आने वाला था भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी मस्ती वाला, पर मैं पार्ट से रिलेटेड आपको वाक्य लिखाई हूँ। सेकेंड है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुमिता जी के बारे में हमने पढ़ा है, जो एक अंतरिक्ष यात्री रही हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मेहनत की है, इसलिए हमें टॉपिक मिला है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी हमारी जन्मदात्री से लेकर हमारी सबसे अच्छी मित्र तथा सहनशील दया की मूर्ति और हर क्षेत्र में अपना जज्बा दिखाने वाली होती है, और नारी देवी स्वरूपा भी मानी गई है। लेकिन आप मस्ती के मूड में हैं तो भी लिख सकते हैं कि हमें नारी का सम्मान इसलिए करना चाहिए, नहीं तो हम उनसे पिटाई भी खा सकते हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है वो मस्ती भरा, अंदाज अपना अपना, मैंने आप अपने अंदाज में या तो बहुत सार्थक वाक्य लिख सकते हैं, कुछ अच्छा सा हंसाने वाला भी वाक्य लिख सकते हैं, पर मैं बोर्ड में जैसा लिखी हूँ अगर आप चाहें तो वैसा भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर हम पढ़ेंगे, थर्ड नंबर आएगा अंदाज अपना अपना। थर्ड नंबर, सुनीता पंड्या सुमिता विलियम्स बनी, क्योंकि उनकी शादी माइकल विलियम्स के साथ में हुई थी, है ना, इसलिए उनका सरनेम चेंज हो गया था। फोर्थ नंबर है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई, क्योंकि उनका लक्ष्य था अंतरिक्ष में यात्रा करके सकुशल वो लौट सकें और लोगों को एक अच्छा सा संदेश दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी मृत्यु अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ही हो गई थी, इसलिए वो हमारी कल्पना ही बनकर रह गई और उनकी कल्पना को साकार किसने किया? सुमिता जी ने। तो बच्चों, अंदाज अपना अपना में आप अपने मन से भी बहुत अच्छा सा वाक्य लिख सकते हैं। धन्यवाद।